नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। सो मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, और आज हम बात करेंगे सोए के बारे में। जी हाँ, एक बहुत हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स है, पर इसके साथ बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मिथ्स और कई सारे गलत धारणाएं जुड़ी हुई है, कई सारे डाउट्स हैं, आज उसे क्लियर करेंगे। सो आइए बात करते हैं सोए के बारे में। सोया या सोयाबीन जो है वो आप लोग ह्यूमन जो है 5000 साल से खा रहे हैं। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में हाई प्रोटीन होता है, अच्छा मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि जो क्वालिटी बोलते हैं कई बार वो इज इक्वल टू दैट ऑफ द एनिमल प्रोटीन। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, दैट मीन्स अमाइनो एसिड प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप केवल केवल सोया खा के भी अपना प्रोटीन कंप्लीट करेंगे तो भी आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट होगा। तो सोयाबीन को जो है एशिया के अंदर 1950 से बहुत लंबे समय से कल्टीवेट किया जा रहा है और पूरी दुनिया भर में प्रोड्यूस होता है। सोयाबीन आपके डाइट्री सप्लीमेंट्स में भी डाला जाता है। सोए सप्लीमेंट्स के अंदर सोया प्रोटीन, आइसोफ्लेवोन्स, जो कि एक तरीके से फीमेल ईस्ट्रोजन के जैसे हॉर्मोन्स होते हैं, उस वो भी आप कई बार देखेंगे, मगर ये बहुत माइल्ड होता है, आपकी बॉडी में किसी प्रकार का चेंज लाने के लिए इनसफिशियंट होता है। सोए प्रोडक्ट्स जो है कई बार मीनोपॉजल सिम्टम्स, बोन हेल्थ, मेमोरी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी प्रमोट किए जाते हैं कि अच्छे हैं। ऐसा एज ओवरऑल अगर इफेक्ट देखें इन चीज़ों का तो बहुत मिनिमल होता है, तो एक सच कोई मेजर इफेक्ट ट्रीटमेंट पर्पज से नहीं हो सकता। बट यस, इट इज़ गुड टू टेक प्रोटीन सोर्सेज रेगुलरली। सो हेल्थ बेनिफिट में क्या क्या, सोया आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर पाएगा? कुछ रिसर्चेस में देखते हैं कि हाँ, सोयाबीन से रेगुलर प्रोटीन खाने से, सोयाबीन में थोड़ा फाइबर सप्लीमेंट्स, फाइबर भी है, तो उससे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। बट दैट डिपेंड्स आपकी बाकी लाइफस्टाइल के, एक तरफ से सोया, दूसरी तरफ से बाहर का जंक फूड खा रहे तो कुछ नहीं होने वाला, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस सोया माइट हेल्प, राइट। सेम वे अगर FDA की बात करें तो 25 grams पर डे ऑफ सोयाबीन आपके हार्ट डिजीज के रिस्क भी कम कर सकता है, ऐसा हमारे FDA में बताया जाता है। बहुत अच्छी बात है। और सोयाबीन जो है उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिंस, लो सैचुरेटेड फैट कंटेंट्स अच्छे हैं। आइसोफ्लेवोन्स जो कि हमने बताया वो हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर्स को भी हेल्प करता है, और एक अच्छी मात्रा में अगर आप सोया खाते हैं तो आपके फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क भी कम होते हैं। तो सोयाबीन खाना हेल्दी है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है और मेल्स के लिए भी। फीमेल्स में या कह लीजिए जिन लोगों को पोस्ट मीनोपॉजल यानी पीरियड्स आने बंद हो गए, उनके बाद की उम्र में अगर वो सोया खाते हैं तब कैंसर प्रिवेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं कह सकते, उसका रिसर्च अभी चल रहा है। और सोया जो है आपको टोफू में, सोया मिल्क में, एंडामेम में, इसमें भी आपको प्रोसेस्ड फूड में मिल जाएगा। सोय प्रोटीन आइसोलेट्स भी अवेलेबल है, उसके स्नैक्स भी अवेलेबल है, और उसी के बने हुए इमिटेशन मीट प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों में से आप ले सकते हैं, प्रोसेस फूड थोड़ा कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सोया सप्लीमेंट्स के अंदर जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं वो भी कैंसर को प्रिवेंट या कम करने में हेल्प करते हैं, उसी प्रकार के जो हमने बताए, फीमेल कैंसर, क्या ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर। इसी के अलावा पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स या मीनोपॉजल सिम्टम्स जो आते हैं, हॉट फ्लैशेज, उसमें भी कई बार वो इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये इस रिसर्च में प्रूवन नहीं। तो सोया जो है वो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कि सोया फ्लोर, होल सोयाबीन, टेम्फ टोफू, सोया मिल्क, इन सभी में अच्छी क्वांटिटी में सोयाबीन आपको सोया प्रोडक्ट्स मिल जाए, सोया मिलेगा। टू फाइंड आप जरूर इसके, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसके न्यूट्रिशन लेवल को ज़रूर पढ़िएगा कि उसके अंदर सोया है, सोया आइसोलेट है, और प्रोटीन कंटेंट उसका अच्छा हाई होना चाहिए। अगर सोया होते हुए भी प्रोटीन उसका 20%, 30%, 35% है तो कोई लॉजिक नहीं है उसको लेने का, राइट। उससे अच्छा आप सिंपल सोयाबीन की आप सोया ग्रैन्यूल्स या सोया चंक्स भी खा सकते हैं। सो सोया आइसोफ्लेवोनॉइड्स ज़्यादातर लोगों चीज़ों में आपको मिल जाएगा। सोया के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं? सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो बहुत ही सिंपल है वो है एलर्जी। अगर आपको सोया से एलर्जी है तो एलर्जिक रिएक्शन आने के रिस्क होते हैं, और उसके अलावा स्टमक अपसेट होने का रिस्क होता है, पेट में थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होने का। और कुछ लोग जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत ही कम मात्रा में अगर वो आयोडीन लेते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो सोए एक गोइट्रोजन जैसा एक्ट करता है। ये गोइट्रोजन्स वो इस प्रकार के फूड्स हैं कि अगर आपका थायराइड होने वाला है तो इसके वजह से हो सकता है कि सोए ऐड करने से हो जाए, लेकिन ये गोइट्रोजेनिक इफेक्ट जो होता है ये कच्चे सोए में होता है। अगर आप उस तरीके के गोइट्रोजन्स, उसमें सोया आता है,
उसमें पत्ता गोभी, ब्रोकली, इस प्रकार की क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स आते हैं। इनको अगर आप बढ़िया से पका लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, तो ग्रोइटोजेनिक प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो सॉय लेने से, कच्चा खाने से, अनकुक्ड सॉय लेने से दिक्कत हो सकती है, तो वो ना खाएं। और आयोडीन की कमी ना हो इसलिए आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई भी नमक हो, राइट। और साइड इफेक्ट्स में ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि इसके वजह से कैंसर होता है या इसके वजह से कोई और बीमारी होती है, और या क्या ये किसी प्रकार से किसी भी पर्सन के लिए अनसेफ है, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का इंटेक प्रेगनेंसी या चाइल्ड एज में नहीं करना चाहिए, इसलिए बच्चों के केस में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोया नहीं दिया जाता। लेकिन आप मानेंगे, छोटे बच्चों के केस में भी आपके जो बच्चों के फूड्स होते हैं, जो चाहे जो प्रिपरेशन, उनमें भी कई बार सोया ही प्रोटीन का सोर्स बनता है। सो बच्चों के, बड़े हैं कोई भी हो, 25 ग्राम पर डे सोया लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 50 ग्राम पर डे सोया भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम 100 ग्राम तक आप बिना झिझक के ले सकते हैं। 60 ग्राम सोया पर डे का एवरेज कई सारे देशों में, एशियन देशों में कई जगह खाया जाता है। पर याद रखिए, ये सेफ है। 100-200 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं, 100 बड़ी आराम से आपको 60 ग्राम 50 ग्राम तक आपको प्रोटीन दे देगा 100 ग्राम। तो सोया देखो, जैसे मैंने कहा था, इन्फेंट फॉर्मूलाज में भी अवेलेबल है, जो बच्चों में यूज़ किया जाता है, उन बच्चों में जिनमें दूध की एलर्जी हो, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोडक्ट्स जिसमें सिर्फ 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 प्रोटीन होता है, वो नहीं रिकमेंड किया जाता, बिकॉज प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में बच्चों के अंदर, उतना भी नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत होती है। वो बहुत हाई एक्टिविटी वाले लोग होते हैं, अगर सिर्फ सिर्फ प्रोटीन खिलाएंगे तो उनके अंदर कीटोसिस होने लगेगा, कार्ब्स नहीं होगा तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए ये चीज़ें एक अच्छी एवरेज मात्रा में इंक्लूड करें। अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से आप बात कर सकते हैं इन प्रकार के प्रोडक्ट्स लेने के लिए, अगर आप किसी प्रकार का सप्लीमेंट लेना चाहते हैं। बट रेगुलर बेसिस पे घर पे 25 से 50 ग्राम सोयाबीन बीच बीच में, हफ्ते में एक दो बार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। याद रखें, 50 ग्राम सोयाबीन, ये तो 25 ग्राम पर डे हो गया, आप रेगुलर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ताकि जिन लोगों को डर लगता है सोयाबीन से, ना लगे, एंड इट इज़ वेरी सेफ, यू कैन ईट इट, नो प्रॉब्लम्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। To consult me, you can WhatsApp on this number. Thank you.